इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक होंगे। किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। ये वो भाषण है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के दिया था, जब वे सदन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करने वाले थे। इस बिल के अंदर कई अहम बातें उन्होंने लिखी थी जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बिल के पास होते ही सदन में इस बिल को जब अमित शाह लेकर आए थे तो इसके बाद खासा बवाल जो है सदन में देखने को मिला था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में अनुच्छेद 370 और राम मंदिर के अलावा एक और अहम वादा किया था। वादा ये कि जल्द ही देश में सीएए को लागू करेंगे। सीएए को लागू करने को लेकर देश भर में खासा बवाल भी हुआ, लेकिन सरकार अपने वादे पर टिकी रही और दिसंबर 2019 में ही इसका प्रस्ताव सदन में पास हुआ। इसके बाद दिल्ली सहित देश के तमाम इलाकों में इसको लेकर लंबा प्रोटेस्ट भी चला, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, क्योंकि एजेंडा देश की सुरक्षा समेत देश के वास्तविक नागरिकों के हितों की रक्षा करना था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। संसद से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। दिल्ली में भी कई महीनों तक इसको लेकर धरना प्रदर्शन चला था। बंगाल की ममता सरकार तो इसके विरोध में प्रस्ताव ले आई। इसका कारण हमें बताने की जरूरत नहीं है, इससे आप स्वयं वाकिफ हैं कि ममता सरकार इसके विरोध में प्रस्ताव क्यों लेकर आई। टीएमसी की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2020 में सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह का प्रस्ताव लाने वाला बंगाल चौथा राज्य बन गया था। तब ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि बंगाल में हम सीएए एनपीआर और एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। अब इसको लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, सरकार की ओर से एक बड़ा बयान आया है और बयान ये कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि देश में एक हफ्ते के भीतर ही सीएए लागू हो जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बंगाल के ही 24 परगना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान जिसमें अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश का कानून इसे बताया था और कहा था कि इसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी ये माना जा सकता है कि देश में जल्द सीएए लागू हो जाएगा, उस भाषण का भी उन्होंने जिक्र किया था। और अब ये माना जा रहा है कि देश में जल्द ही सीएए को लागू किया जाएगा। बहरहाल सीए को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में है। देखना यह होगा कि इस पर क्या कुछ होता है, क्या कोई बवाल होता है, क्योंकि दिल्ली के शाहीनबाग समेत देश भर के तमाम इलाकों ने सीए को लेकर के लंबा प्रोटेस्ट हमने देखा है। अब देखना यह होगा कि सीए कब लागू होगा, किस परिस्थिति में लागू होगा और इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें और भी जोड़ी जाएंगी या नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2019 के जो भी मैनिफेस्टो में जितनी बातें थी, राम मंदिर रहा ही है हमेशा से, 370 भी रहा है, अनुच्छेद 370, और ये दोनों वादे बीजेपी ने पूरे कर लिए हैं। अब देखना ये होगा कि सीएए को क्या बीजेपी जो है वो 2024 के चुनाव से पहले लागू कर देती है, इसको लेकर के कानून बनता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।